हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ स्टैंडर्ड 6 प्रैक्टिस सेट 29 को लेकर। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, हम वन बाय वन देख लेते हैं। इफ 20 मीटर क्लॉथ कॉस्ट ₹3600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ्स। 16 मीटर ऑफ क्लॉथ की हमें कॉस्ट निकालनी है। सो यहाँ पे दिया क्या है, 20 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दी है ₹3600 एंड 16 मीटर की कॉस्ट निकालनी है। सो यहाँ पे हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 3600/20। सो यहाँ पे देखो 16 × 3600/20 ऐसे हम करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 20 से। ओके, अभी यहाँ पे मैंने लिख लिया है। सो कॉस्ट ऑफ 16 मीटर क्लोथ इक्वल टू 2880 आ रही। सो कैसे आती है, देखो यहाँ पे इसका यूनिट प्ले जीरो, इसका यूनिट प्ले जीरो, दोनों भी क्या है, 10 के मल्टीपल है। सो 10 × 20, 10 × 3 = 30। ओके, 36 में 30 सब्सट्रैक्ट हो गए, 6 रह गए, 6 × 0 = 60 हो गए, 10 × 6 = 60 और ये 1 0। यहाँ पे अभी क्या है, 360 है। अभी यहाँ पे 2 है। सो यहाँ पे इस 2 से हम इस 16 को डिवाइड कर लेते हैं। 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। अभी यहाँ पे क्या वैल्यू है, 8 × 360, इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर आ जाएगा 2880 रुपीज़ आंसर आ जाएगी। कौन सी क्लोथ की वैल्यू, 16 मीटर क्लोथ की वैल्यू आ जाएगी 2880। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ राइस इज 325, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस। 10 किलोग्राम जो राइस है उसकी जो कॉस्ट है 325 रुपीज़ एंड 8 किलोग्राम राइस की हमें कॉस्ट निकालनी है। सो 8 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 325 रुपीज़, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लीकेशन कर गए और इन दोनों को हम करेंगे 10 से डिवाइड। 8 × 325 / 10। सो ये 10 और ये 8, नहीं तो ये भी यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, ये दोनों 5 के मल्टीपल है और ये दोनों 2 के मल्टीपल है। किसको डिवाइड, इन दोनों को 2 से डिवाइड किया तो भी चलेगा और इन दोनों को 5 से डिवाइड किया तो भी चलेगा। सो देखो हम दोनों इन दोनों को क्या कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 × 2 = 10, 5 × 6 = 30, 32 में 30 सब्सट्रैक्ट, 2 घर है, 2 और 5 क्या रह गए, 25 हो गए, 5 × 5 = 25, 65। अभी 8 × 65 है यहाँ पे, 8 × 65 / 2। अभी हम कह रहे थे इस 8 को 2 से डिवाइड कर रहे थे, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अभी 4 × 65 है, इसकी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी 260। ओके, तो कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ राइस इज इक्वल 260। सो गॉट इट। अभी हम एग्जांपल नंबर 3 देख लेते हैं। इफ द 14 चेयर कॉस्ट ₹5992, हाउ मच विल हैव बी टू बी पेड फॉर 12 चेयर्स। 14 चेयर की कॉस्ट दी है 5992 एंड 12 चेयर की कॉस्ट हमें निकालनी है। सो देखो 14 चेयर की कॉस्ट है ₹5992 एंड 12 चेयर की कॉस्ट हमें निकालनी है। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 5992 डिवाइडेड बाय 14, 12 × 5992 / 14 किया। सो 14 एंड 12 ये क्या है, दोनों भी 2 के मल्टीपल है, तो 2 × 7 = 14 एंड 2 × 6 = 12। ओके, दोनों भी क्या है, 2 के मल्टीपल है, हम दोनों को क्या किया, 2 से डिवाइड किया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, 6 × 5992 / 7, इन सबको इन वैल्यू को हमने 7 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 5136। ये क्या आ गई, 12 चेयर की कॉस्ट आ गई। अभी हम एग्जांपल नंबर 4 देख लेते हैं। द वेट ऑफ 30 बॉक्सेस इज 6 किलोग्राम, व्हाट इज द वेट ऑफ 1080 सच बॉक्सेस। 30 बॉक्स का वेट है 6 किलोग्राम, 1080 बॉक्सेस का हमें वेट निकालना है। सो यहाँ पे हम करते हैं 1080 × 6 / 30। अभी देखो ये भी हो, ये दोनों क्या है, 10 के मल्टीपल है, 10 × 3 = 30, 10 × 1 = 10। यहाँ पे एक नंबर को डिवाइड नहीं हो रहा है, सो हम क्या करते हैं डायरेक्टली 10 × 8 = 80। ओके, 10 × 8 = 80 को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते। सो यहाँ पे क्या आ गई, 108 वैल्यू आ गई। ओके, सो 108 × 6, अभी ये देखो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो 108 × 2, सो 108 × 2 मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 216। ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर किलोग्राम। वेट ऑफ 1080 बॉक्स विल बी अ 216 किलोग्राम आ गई।
टू एट जा सिक्सटीन, सिक्सटीन का सिक्स यहाँ पे वन कैरी आ गया, सो टू जीरो जा जीरो, जीरो प्लस वन वन एंड टू वन जा टू, टू हंड्रेड सिक्सटीन किलोग्राम आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर अ डिस्टेंस ऑफ 165 किलोमीटर इन थ्री आवर्स एट द सेम स्पीड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखो 165 किलोमीटर वो जा रही है थ्री आवर्स में, सो 330 किलोमीटर कितने आवर्स में जाएंगी वो हमें निकालनी है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 330 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय थ्री डिवाइडेड बाय 165, 330 इंटू थ्री डिवाइडेड बाय 165। सो यहाँ पे देखो ये यहाँ की इसके यूनिट प्लेस फाइव है, इसके यूनिट प्लेस जीरो है, इन दोनों के फाइव, दोनों भी फाइव के मल्टीप्लाई है, हम क्या करें दोनों के डिवाइड कर देते हैं। सो फाइव थ्री जा फिफ्टीन, सिक्सटीन फिफ्टीन सब्सट्रैक्ट हो गए, वन रहेगा वन एंड फाइव फिफ्टीन हो गए, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव सिक्स जा थर्टी, थर्टी थ्री में थर्टी सब्सट्रैक्ट हो गए, थ्री रह गए थ्री एंड जीरो थर्टी हो गए, फाइव सिक्स जा थर्टी। यहाँ पे अभी क्या है, 33 एंड 66, 11 थ्री जा 33, 11 सिक्स जा 66, ओके। अभी ये थ्री और ये थ्री सब्सट्रैक्ट हो गया, कितने रह गए सिक्स, सो सिक्स कार ट्रैवल अ डिस्टेंस 330 किलोमीटर इन सिक्स आवर, ओके। अभी हम बी देख लेते हैं, हाउ कार विल इट ट्रैवल इन एट आवर्स। देखो यहाँ पे थ्री आवर्स में वो कितनी जा रही है, 165 किलोमीटर जा रही है, और हमें क्या निकालना है एट आवर में वो कितनी जाएगी, थ्री आवर में जाती है 165, तो एट आवर में कितनी जाएगी ये हमें निकालनी है। सो हम क्या करेंगे, एट आवर मल्टीप्लाई बाय 165 डिवाइडेड बाय थ्री, एट इंटू 165 डिवाइडेड बाय थ्री। सो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, थ्री के मल्टीपल है, सो हम ये दोनों को क्या कर देते हैं, थ्री से डिवाइड कर देते हैं, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, सिक्सटीन में से फाइव सब फिफ्टीन सिक्सटीन में से फिफ्टीन सब्सट्रैक्ट हो गए, वन रह गए, सो वन एंड फाइव फिफ्टीन हो गए, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, ओके। अभी यहाँ पे क्या है, एट इंटू फिफ्टी फाइव, सो इसका आंसर आ जाएगा 440। सो ये क्या है, कार ट्रैवल डिस्टेंस इन एट आवर विल बी 440 किलोमीटर, ओके। अभी हम क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, अ ट्रैक्टर यूज अ 12 लीटर ऑफ डीजल व्हाइल प्लगिंग 3 एकर ऑफ लैंड, 3 एकर लैंड प्लगिंग करने के लिए वो 12 लीटर क्या करते हैं डीजल यूज करते हैं, हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लग 19 एकर्स ऑफ लैंड। सो देखो यहाँ पे 3 एकर्स प्लग करने के लिए वो 12 लीटर डीजल यूज करते हैं, और उनको अपन अगर 9 एकर जो लैंड है वो प्लग करनी है, सो कितना डीजल लगेगा, कितना लीटर डीजल लगेगा वो हमें निकालना है। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 19 इंटू 12 ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके इनको 3 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ पे देखो 12 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 3, 3 वन जा 3, 3 फोर जा 12, ओके। सो यहाँ पे भी क्या है, 4 इंटू 19, सो क्या वैल्यू आ जाएगी, 76। देयरफॉर 10 नीडेड 76 लीटर डीजल, ओके। एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 किलोग्राम ऑफ शुगर इज ऑप्टेन फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन, इफ सविताताई हैज ग्रोन 50 टन ऑफ शुगर केन, हाउ मच शुगर विल शी गेट। सो उसको कितनी शुगर मिलेगी, पहले क्या की थी उसके पास 48 टन शुगर केन था, उसको फैक्ट्री से कितनी शुगर मिली थी, 5376 किलोग्राम, ओके। अभी उसके पास 50 टन शुगर है, सो शुगर फैक्ट्री से उसको कितनी शुगर मिलेगी ये हमें निकालना है, ओके। सो यहाँ पे देखो 48 टन उसके पास थी, तब कितनी मिली थी, कितने किलोग्राम मिलेगी, 5376। अभी उसके पास 50 टन है, सो कितनी किलोग्राम शुगर मिलेगी हमें निकालना है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 5376 डिवाइडेड बाय 48, देखो 50 इंटू 5376 डिवाइडेड बाय 48, ये फाइव है, इसके यूनिट प्लेस एट है, इसके यूनिट प्लेस जीरो, ये दोनों भी क्या है टू के मल्टीपल है, सो टू टू जा फोर, टू फोर जा एट, टू टू जा फोर,
सो 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट 1 है, 1 एंड 0 10 हो गया, 2 5 जा 10, ओके। अभी यहाँ पे 25 24 है, सो पहले हम क्या कर लेते हैं, ये इसका यूनिट प्लेस 6 इज 4 है, ये भी क्या है, बोथ आर द टू मल्टीपल्स, सो हम क्या करें दोनों को क्या करें 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट हो गया। अभी यहाँ कर देखो 2 2 जा 4, सो 5 में से 4 हो गए, सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 3 13 हो गए, 2 6 जा 12, 13 में से 12 हो सब्सट्रैक्ट हो गए, 1 रह गया, 1 एंड 7 17, 2 8 जा 16, अभी 17 में 16 गए, 1 रह गया, 1 एंड 6 17, 2 6 जा 2 8 जा 16, यहाँ पे भी 8 आएगा। लिख लेते हैं 25 एंड 2 2 6 8 8 यहाँ पे 12 है, सो ये भी क्या है दोनों 2 के मल्टीपल है, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ओके। अभी इस नंबर को हम क्या, ये क्या है 6 का मल्टीपल है, सो ये भी क्या है 6 है, तो इस हम 6 से क्या कर दें, इस नंबर को डिवाइड कर दें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 13 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ, 1 रह गया, 1 एंड 4 14 हो गए, 6 2 जा 12 आ जाएगा, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ, 2 रहे, 2 एंड 4 24 हो गए, सो 6 4 जा 24, तो यहाँ पे 4 आ गया, सो यहाँ पे अभी क्या है 25 इंटू 224, सो यहाँ पे देखो 25 इंटू 224, इसकी मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर क्या आ जाएगा 5600, ये हो जाएगा 5600 किलोग्राम ऑफ शुगर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 है, इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 मैंगो ट्रीज, इन 8 रोज इफ ऑल द रो हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज, 13 रोज में कितनी ट्री रहेगी हमें निकालना है। देखो ऑर्चर्ड में कितने नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज है, देयर आर 128 मैंगो ट्रीज 8 रोज में, सो 8 रोज में 128 मैंगो ट्री है, सो 13 रो में कितनी मैंगो ट्री आएगी हमें निकालना है, सो यहाँ पे क्या करते हैं हम 13 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 8, सो 13 इंटू 128 डिवाइडेड बाई 8, सो इसका कैलकुलेशन करते टाइम यहाँ पे 8 एंड 128 क्या एक दूसरे के मल्टीपल है, सो हम क्या करते हैं 1 से डिवाइड कर, 8 वन जा 8, 8 वन जा 8, 12 में से 8 सब्सट्रैक्ट हो गए, सो यहाँ रह गए 4, 4 एंड 8 48 हो गए, तो 8 6 जा 48, सो यहाँ पे अभी 16 है, 13 इंटू 16 इनका मल्टीप्लीकेशन किया तो आंसर आ जाएगा 208 ट्री, 13 रो में कितनी ट्री है, इन 13 रो देर आर 208 मैंगो ट्रीज, ओके ऑल ऑफ यू गॉट दिस वन, इन 13 रोज आर देर आर, इन 13 रो देर आर 208 मैंगो ट्रीज अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड 120,000 लीटर ऑफ वाटर इट कॉस्ट, इफ कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड, हाउ मेनी पॉन्ड विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर 480,000 लीटर ऑफ वाटर एंड वॉट वुड बी द एक्सपेंस इनकर्ड, यहाँ पे हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, कौन सी, इतने लीटर वाटर स्टोर करने के लिए कितने पॉन्ड लगेंगे वो निकालने हैं, और उस पॉन्ड के लिए खर्चा कितना आएगा, इनकर्ड कितना आएगा, ये भी हमें निकालना है। सो पहले देखो ये पॉन्ड दिया, अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड अ पॉन्ड मीन्स वॉट, एक ही पॉन्ड है, सो एक पॉन्ड में हम कितना लीटर वाटर स्टोर कर रहे हैं, 120,000 लीटर वाटर स्टोर कर रहे हैं, सो 480,000 लीटर वाटर स्टोर करने में कितने पॉन्ड लगेगी हम पहले निकाल लेते हैं, तो देखो 120,000 लीटर वाटर स्टोर करने के लिए 1 पॉन्ड लगता है, सो 480,000 लीटर वाटर स्टोर करने कितने पॉन्ड लगेंगे हम निकाल लेते हैं, सो यहाँ पे हम ऐसी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 इंटू 480,000 डिवाइडेड बाई 120,000, सो यहाँ पे देखो 1 इंटू 480,000 डिवाइडेड बाई 120,000, सो यहाँ पे देखो ऊपर एंड नीचे जितने कॉमन जीरो है वो हम कट कर देते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 जीरो कॉमन है वो हम पहले कट कर देते हैं, सो यहाँ पे क्या है अभी 48 एंड 12, 12 का मल्टीपल है 48 है, ये 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं किया तो भी चलेगा सर का, क्योंकि इस पूरी वैल्यू का 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही वैल्यू आ जाएगी, सो देखो 48 क्या है, 12 का मल्टीपल है, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48,
ओके सो क्या आ गया फोर. सो फोर क्या आ गया नंबर ऑफ फॉन्ट रिक्वायर्ड टू स्टोर 480,000 लीटर वाटर. यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई रिक्वायर्ड. देखो फोर पॉन्ड आएंगे वाटर होल्ड करने के लिए. सो फोर इंटू हम क्या करेंगे वन पॉन्ड की प्राइस वो कितनी है 18,000. सो 18,000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 72,000 रुपीज़. ओके गॉट दिस वन.